आज हम बात करेंगे 2024 में रिलीज हुई एक फिलिपिनी हॉरर फिल्म आउटसाइड के बारे में। ये कहानी एक पिता की है जो अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक पिता परिवार को किस तरह सुरक्षा देता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों न हो। फिल्म की कहानी इतनी शानदार है कि यह आपको पूरी तरह से बांधे रखेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फिल्म की शुरुआत होती है एबल परिवार से। इसमें फ्रांसिस, उसकी पत्नी आयरिस और उनके दो बेटे जोशुआ और लुक्स शामिल हैं। वे अपनी वैन से फ्रांसिस के पिता के घर जा रहे होते हैं और वैन पर खून के धब्बे नजर आते हैं। दरअसल उस देश में एक खतरनाक वायरस फैल चुका था जिसने लोगों को जॉम्बी बना दिया था। फ्रांसिस किसी तरह अपने परिवार को लेकर उस स्थिति से भाग निकलता है और अपने पिता के फार्म हाउस पहुंचता है, जहां उन्हें उम्मीद होती है कि वे सुरक्षित रह सकेंगे। जब वे फार्म हाउस में दाखिल होते हैं तो फ्रांसिस अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह अपने पिता के बेडरूम में जाता है जहां उसे अपने पिता की लाश मिलती है। उन्होंने खुद को गोली मार ली थी क्योंकि वे भी वायरस से संक्रमित हो चुके थे। ये देखकर फ्रांसिस गहरे सदमे में आ जाता है, लेकिन मजबूती दिखाते हुए वह अपने पिता की बंदूक और घड़ी अपने पास रख लेता है। फ्रांसिस जब बाहर आता है देखता है कि उसकी माँ भी संक्रमित हो चुकी है, जिसका शरीर बुरी तरह से कट चुका है, लेकिन वह अभी भी जीवित है। उसकी माँ उस पर हमला करने की कोशिश करती है और मजबूरन फ्रांसिस को उसे मारना पड़ता है। इस क्षण में फ्रांसिस समझ जाता है कि वायरस ने गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया है। वह अपने माता पिता की लाशों को कॉर्नफील्ड में दफन कर देता है और अपने परिवार को बताता है कि अब उन्हें यहीं रहना होगा। फार्म से वे खाने पीने की चीजों का इंतजाम कर सकते हैं। इस बीच फ्रांसिस और आयरिस के बीच कुछ तनाव भी नजर आता है, मानो उनके बीच कोई गहरा राज हो। ये राज क्या है, ये आपको फिल्म में आगे पता चलेगा। वहीं उनका बेटा जोशुआ फ्रांसिस के पास आकर सुझाव देता है कि वे बार्न हाउस में जाएं, शायद वहां कुछ काम की चीजें मिल जाएं। फ्रांसिस उसे मान लेता है और वे बार्न हाउस जाते हैं, जहां उन्हें केयरटेकर की लाश मिलती है। वह भी संक्रमित होकर फांसी लगा चुका था। वहां कुछ मुर्गियां भी होती हैं जो पिंजरे में बंद थीं। फ्रांसिस जोशुआ को केयरटेकर की लाश के पास से चाबी लाने के लिए कहता है, लेकिन जब जोशुआ लाश के पास जाता है तो डर की वजह से वह लाश उसके ऊपर गिर जाती है। जोशुआ घबरा जाता है और भागकर खुद को साफ करने लगता है। आयरिस ये देखकर फ्रांसिस से पूछती है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। फ्रांसिस उसे बताता है, लेकिन आयरिस नाराज होकर कहती है कि वह जोशुआ को ऐसी बातें न सिखाए। फ्रांसिस जवाब देता है कि इस माहौल में जिंदा रहने के लिए उन्हें ये सब सीखना ही पड़ेगा। फ्रांसिस अपने छोटे बेटे लुक्स को गन्ना लाकर देता है और कहता है कि इसे खाकर देखो, बहुत मीठा है। लुक्स इसे खाकर बेहद खुश हो जाता है। यहाँ हमें यह भी समझ आता है कि फ्रांसिस अपने छोटे बेटे लुक्स से ज्यादा लगाव रखता है और इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है। फिल्म में आगे आयरिस फ्रांसिस को एक बेसमेंट वाले कमरे में ले जाती है। जैसे ही फ्रांसिस उस कमरे को देखता है उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। दरअसल बचपन में उसका पिता उसे इस कमरे में बंद करके मारा पीटा करता था। इस कमरे में बिताया हुआ उसका बचपन आज भी उसकी यादों में जिंदा है और वहां जाने पर वह डर और तनाव महसूस करता है। अब रात के वक्त जब वे सभी डिनर कर रहे होते हैं, जोशुआ को एक रेडियो मिलता है और वह उसे चलाने की कोशिश करता है। ये देखकर फ्रांसिस नाराज हो जाता है और कहता है कि पहले वे डिनर खत्म कर लें, फिर वह रेडियो के साथ खेल सकता है। इस पर जोशुआ कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एलिस ने उसे मैसेज किया था और बताया था कि उसके माता पिता पहाड़ की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां कोई कैंप होगा। फ्रांसिस इसे तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वे किसी कैंप में नहीं जाएंगे। उनके पास इस फार्म जैसी जगह है जो उनके लिए एक उपहार की तरह है, जहां से उन्हें खाना मिल सकता है। कैंप में जाकर वे जानवरों की तरह जिंदगी नहीं जी सकते। फ्रांसिस का यह रवैया आयरिस को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वह भी इस जगह से बाहर निकलना चाहती थी। रात में जब वे अपने कमरे में होते हैं तो आयरिस फ्रांसिस से कहती है कि वह जोशुआ के साथ थोड़ा नरमी से पेश आए। फ्रांसिस उसे आश्वस्त करता है कि वह उसका भी ध्यान रखेगा, लेकिन रात को सोते वक्त फ्रांसिस को अपने पिता की यादें सताने लगती हैं, जहां वह देखता है कि उसके पिता उसे बेरहमी से टॉर्चर कर रहे हैं। इस भयानक सपने से घबराकर तुरंत जाग जाता है और अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है।
अगली सुबह फ्रांसिस बहुत डरा हुआ महसूस करता है और कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि इस घर में उसे बुरे सपने आ रहे हैं। तुरंत अपनी वैन लेकर रवाना हो जाते हैं, लेकिन जब वे एक पुल पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ नाकाबंदी है। फ्रांसिस कहता है कि उन्हें वापस लौटना चाहिए, लेकिन आयरिस उसकी बात नहीं मानती। वह बैरिकेड को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, हालांकि फ्रांसिस उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक संक्रमित सिपाही आ जाता है, जिसे देखकर आयरिस भागने लगती है, लेकिन फ्रांसिस उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर आसपास के सभी जॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं। फ्रांसिस जॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे जॉम्बीज के चीथड़े उड़ जाते हैं। उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती, इसलिए वे पैदल ही वापस घर लौट आते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन सुबह फ्रांसिस वापस उस पुल पर जाता है और अपनी गाड़ी ठीक कर लेता है, जो अब चलने लायक हो चुकी थी। लेकिन वह चाहता था कि उसका परिवार फार्म में ही रहे, इसलिए वह घर लौटकर अपनी पत्नी से झूठ कहता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अब उन्हें यहीं रहना पड़ेगा। रात में फ्रांसिस लाइट और एसी भी ठीक कर देता है और बच्चों के साथ मस्ती करने लगता है। वह गाना बजाकर नाचता है, जिसे देखकर आयरिस समझ जाती है कि वह नहीं चाहता कि वे लोग यहाँ से जाएं। लेकिन आयरिस इस विचार से सहमत नहीं थी। आयरिस जानती थी कि बाहर कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं और वे उनके साथ मिलकर इस महामारी से बच सकते हैं। फार्म में उनके पास गन्ने के अलावा कुछ भी खाने को नहीं था। बच्चों के कमरे में जोशुआ शादी की डीवीडी प्ले करता है और उसे देखकर आयरिस को अपनी शादी के पुराने दिन याद आ जाते हैं। वे दोनों किचन में इंटीमेट हो जाते हैं। इस बीच बच्चे अपने कमरे में पुरानी एल्बम्स देखते हैं, जिसमें एक फोटो में फ्रांसिस अपने भाई डिएगो के साथ खड़ा होता है। लुक्स अपने भाई को देखकर कहता है कि जोशुआ डिएगो अंकल की तरह दिखता है। ये देखकर जोशुआ समझ जाता है कि उसके माता पिता के बीच अक्सर झगड़े क्यों होते हैं। असल में जोशुआ फ्रांसिस का बेटा नहीं था, डिएगो का बेटा था। यही कारण था कि फ्रांसिस उसे अपना बेटा नहीं मानता था और उसके साथ बुरा बर्ताव करता था, कि लुक्स जो उसका असली बेटा था उसे वह बेहद प्यार करता था। जोशुआ वह एल्बम देखकर सच्चाई समझ जाता है कि उसके माता पिता के रिश्ते में दरार क्यों थी। अगली सुबह जब सब जागते हैं, फ्रांसिस अपनी पत्नी आयरिस से माफी मांगता है और कहता है कि उसने जो भी गलतियां की हैं वह उनके लिए शर्मिंदा है। आयरिस भी उसे माफ करने के लिए कहती है। दोनों इस बात पर सहमति जताते हैं कि वे एक नई शुरुआत करेंगे और अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद फ्रांसिस बाहर जाता है अंडे लेने के लिए, तभी एक कुत्ता आकर उसे काट लेता है और भाग जाता है। जब फ्रांसिस घर लौटता है तो आयरिस उसके घाव पर पट्टी बांधती है और कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि उसे रेबीज हो सकता है। फ्रांसिस यह मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि वह कुत्तपालतू था, क्योंकि उसके ऊपर पट्टी बंधी थी इसलिए उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। इधर जोशुआ रेडियो से संपर्क बनाने की कोशिश करता है और अचानक उसका नेटवर्क मिल जाता है। वह डेल्टा कैंप के बारे में कुछ सुनता है, तुरंत अपने माता पिता को बुलाकर बताता है, लेकिन फ्रांसिस उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि बाहर कोई भी जिंदा नहीं है, कैंप जैसी कोई जगह अस्तित्व में नहीं हो सकती। रात के डिनर के दौरान भी यह बहस जारी रहती है। फ्रांसिस अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है और कहता है कि बाहर बहुत खतरा है और इस घर से सुरक्षित कोई जगह नहीं हो सकती। अगली सुबह जोशुआ फ्रांसिस के पास जाता है और कहता है कि वह भी परिवार के लिए कुछ करना चाहता है और चाहता है कि उसे भी फैसले लेने की आजादी मिले, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इस तरह के फैसले ले सके। फ्रांसिस उसे एक कठिन सवाल करता है, क्या वह परिवार की सुरक्षा के लिए किसी की जान ले सकता है, जिस पर जोशुआ हाँ कहता है। यह सुनकर फ्रांसिस उसे कॉर्न फील्ड्स में ले जाता है, जहां वह उसके सामने एक जानवर रखता है और उसे गन देकर कहता है कि वह शूट करे। जोशुआ शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। फ्रांसिस उस पर चिल्लाने लगता है, जिससे जोशुआ बुरी तरह डर जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है। इसी बीच आयरिस और लुक्स भी वहां आ जाते हैं और आयरिस फ्रांसिस से कहती है कि वह जोशुआ के साथ इस तरह का व्यवहार न करे। तभी वे देखते हैं कि गोली की आवाज सुनकर कई जॉम्बी उनकी तरफ आ रहे हैं। घबराकर वे तुरंत घर की तरफ भागते हैं और ऊपर के फ्लोर पर चले जाते हैं, लेकिन जॉम्बी उन्हें सूंघ सकते थे, इसलिए वे घर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अचानक बाहर एक आदमी अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता है, जिससे जॉम्बी उसकी ओर खींचे जाते हैं, परिवार की जान बच जाती है।
फ्रांसिस गाड़ी देखकर तुरंत समझ जाता है कि वह उसके बड़े भाई डिएगो की है जो उनकी मदद के लिए वहां आया था। अगले दिन फ्रांसिस नदी किनारे डिएगो से मिलने जाता है। डिएगो उसे बताता है कि वह अपने माता पिता से मिलने आया था, लेकिन फ्रांसिस उसे बताता है कि माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। डिएगो उसे साथ रहने की पेशकश करता है ताकि वह उनकी मदद कर सके, लेकिन फ्रांसिस उससे नफरत करता था क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में डिएगो ने आयरिस के साथ संबंध बनाए थे। इसीलिए फ्रांसिस उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। जाते वक्त डिएगो उसे एक मैप देता है और कहता है कि अगर वह अपना विचार बदल ले तो वह नॉर्थ की ओर जाए, जहां एक कैंप हो सकता है जो उनकी मदद कर सके। डिएगो के जाने के बाद फ्रांसिस मैप को फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रुक जाता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। के बाद वह घर लौटता है और आयरिस को अपने भाई डिएगो का कोट दिखाता है। फ्रांसिस जब अपने भाई डिएगो का कोट दिखाता है तो आयरिस यह देखकर हैरान हो जाती है और चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। फ्रांसिस जानता था कि जॉम्बीज कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए वह खिड़कियों पर लकड़ी की बैरिकेड्स लगा देता है ताकि कोई अंदर या बाहर न जा सके। इस बीच लुक्स खेलते खेलते बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां वह खिड़की के पास जॉम्बी को बैठे हुए देख। उसकी माँ आकर उसे समझाती है कि वह जॉम्बी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वह तेजी से दौड़ नहीं सकता। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ा फ्रांसिस उनकी बातें सुन लेता है, तुरंत उस जॉम्बी के पास जाकर उसका सिर काट देता है। फिर वह कटा हुआ सिर लेकर अपनी फैमिली के पास आता है और उनसे झूठ बोलता है कि वह जॉम्बी बहुत आक्रामक हो गया था, इसलिए उसे मारना पड़ा। हालांकि आयरिस जानती थी कि फ्रांसिस झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह बूढ़ा जॉम्बी इतना आक्रामक नहीं हो सकता था। उसे शक था कि फ्रांसिस यह सब इसलिए कर रहा है ताकि कोई भी इस जगह को छोड़कर बाहर न जाए। बाद में जब फ्रांसिस नहाने जाता है तो जोशुआ उसके कमरे में घुस जाता है और डिएगो द्वारा दिया गया मैप देख लेता है। तभी फ्रांसिस बाहर आ जाता है और जोशुआ को डांटते हुए कमरे से भगा देता है। रात में जब सभी डिनर के लिए बैठते हैं, फ्रांसिस अचानक क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगता है। परिवार के लोग हैरान होकर उससे पूछते हैं कि सितंबर में क्रिसमस कैसे हो सकती है, तो वह कहता है कि उनके लिए आज ही क्रिसमस है। इस दौरान सब महसूस करते हैं कि फ्रांसिस धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा है। डिनर के दौरान जोशुआ अपनी माँ को मैप के बारे में बताता है। आयरिस फ्रांसिस से मैप के बारे में पूछती है, लेकिन वह यह कहकर झूठ बोलता है कि उसके पास कोई मैप नहीं है। फिर वह आरोप लगाता है कि आयरिस यहाँ से बाहर निकलना चाहती है क्योंकि वह अपने आशिक डिएगो से मिलना चाहती है। वह बच्चों को यह भी बताता है कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन तभी वायरस फैल गया और वह उनके पास रुक गई। ये सुनकर बच्चे रोने लगते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या यह सच है। उनकी माँ उन्हें बताती है कि हाँ, यह सच है। इसके बाद फ्रांसिस मैप निकाल कर दिखाता है और कहता है कि वह किसी को भी यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। तुरंत उस मैप को जला देता है, जिससे आयरिस को बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में फ्रांसिस को थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह फ्रांसिस कॉर्नफील्ड में गन्ने इकट्ठा करने के लिए चला जाता है, जबकि आयरिस अपने बच्चों के पास जाती है और उनसे बातें करती है। वे अपनी माँ के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि उनका पिता धीरे धीरे पागल होता जा रहा था और अजीब व्यवहार कर रहा था। शाम को जब फ्रांसिस वापस आता है तो वह एक बड़ी लकड़ी साथ लाता है और उसे दरवाजे पर लगा देता है। वह कहता है कि अब इस घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कुछ जॉम्बीज देखे हैं जो बहुत खतरनाक हैं और कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। यह सुनकर जोशुआ अपने पिता से कहता है कि वह झूठ बोल रहा है और यह सब कहानियां बना रहा है ताकि उन्हें बाहर जाने से रोका जा सके। जोशुआ की यह बात सुनकर फ्रांसिस को गुस्सा आ जाता है और वह जोशुआ को जोर से तमाचा मारता है। गुस्से में वह चिल्लाते हुए कहता है कि जोशुआ गंदी नाली का कीड़ा है और वह उसका बेटा नहीं है। तभी अचानक उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगता है। दरवाजे पर एक घायल सिपाही खड़ा था जो मदद मांग रहा था। फ्रांसिस उसे देखते ही कहता है कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन जोशुआ दरवाजा खोल देता है, जिससे वह सिपाही अंदर आ जाता है। आयरिस देखती है कि सिपाही बुरी तरह से जख्मी है और उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ। सोल्जर बताता है कि डेल्टा कैंप पर हमला हुआ था, जिसके कारण वहां सभी मारे गए। उसने बताया कि एक आदमी जो शायद उनका रिश्तेदार था, उसकी जान बचाकर खुद को बलिदान कर चुका है। ये सुनकर आयरिस समझ जाती है कि वह आदमी डिएगो ही था। वह सोल्जर से पूछती है कि क्या डिएगो अभी भी जिंदा है, तो सोल्जर कहता है कि जॉम्बीज ने उसे घेर लिया था और वह अब तक मर चुका होगा। इसके बाद आयरिस उस सोल्जर की मरहम पट्टी करती है और फ्रांसिस से कहती है कि उसे आज रात यहीं रहने दे।
फ्रांसिस उसकी बात मान लेता है, लेकिन एक शर्त पर। सिपाही को बेसमेंट में सोने के लिए कहता है ताकि वह परिवार से दूर रह सके। रात को जब सभी सो रहे होते हैं, जोशुआ अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि वह चिंता न करे, वह उन्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाएगा। वह यह भी बताता है कि वह जानता है कि फ्रांसिस उसका असली पिता नहीं है और इसलिए वह उससे हमेशा चिढ़ता है। फिर वह अपनी माँ से कहता है कि वह आज रात बाहर जाकर देखेगा कि बाहर निकलना सुरक्षित है या नहीं। उसकी माँ उसे इजाजत दे देती है और जोशुआ घर से भाग जाता है। अगली सुबह जब फ्रांसिस उठता है तो देखता है कि सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन जोशुआ कहीं नजर नहीं आता। वह आयरिस से पूछता है कि जोशुआ कहाँ है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। जब फ्रांसिस बाहर जाता है तो दरवाजा खुला हुआ देखता है और समझ जाता है कि जोशुआ भाग निकला है। गुस्से में आकर फ्रांसिस एक हथौड़ा उठाता है और सिपाही के सिर पर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वह आयरिस को पीट कर बेहोश कर देता है। आयरिस की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को और लूकस को बेसमेंट में बंद पाती है। फ्रांसिस उन्हें वहां कैद करके रखता है। जब वह ऊपर जाता है तो देखता है कि बाहर वही कुत्ता वापस आ गया है जिसने उसे काटा था। वह बाहर जाता है, कुत्ते को मार डालता है। फिर वह उसका मांस पकाकर बेसमेंट में लाता है और आयरिस और लूकस से खाने के लिए कहता है, लेकिन आयरिस मना कर देती है, जिससे फ्रांसिस गुस्से में आकर प्लेट नीचे फेंक देता है। प्लेट के साथ एक चाकू भी गिरता है, जिसे आयरिस अपने पैर से छुपा लेती है। आयरिस फ्रांसिस से गले लगकर दिखावा करती है कि उसे उसकी जरूरत है, लेकिन फ्रांसिस उसका चाकू देख लेता है, तुरंत उसे दोबारा से लॉक कर देता है। इस पर आयरिस खिड़की पर लगी लकड़ियों को तोड़ने लगती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। रात में जब उसकी आंखें खुलती हैं तो लूकस उससे पूछता है कि अब वे क्या करेंगे। आयरिस कहती है कि उन्हें झूठ बोलना होगा। वह एक योजना बनाती है जिसमें वह लूकस को जोर से चिल्लाने के लिए कहती है। लूकस चिल्लाने लगता है तो फ्रांसिस लूकस की चिल्लाहट सुनकर बेसमेंट में पहुंच जाता है और तभी आयरिस उस पर हमला कर देती है। वह अपने बेटे लूकस को लेकर बेसमेंट से बाहर निकल जाती है और फ्रांसिस को वहीं बंद कर देती है। जब फ्रांसिस अंदर कैद हो जाता है तो उसे अपने पिता की याद आने लगती है, जो उसे इसी तरह टॉर्चर करते थे। आयरिस लूकस को लेकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है उसे डिएगो दिखता है, जो अब इफेक्टेड हो चुका था। डिएगो भी घर के अंदर आ जाता है और लूकस पर हमला कर देता है। आयरिस उसे रोकने की कोशिश करती है और फ्रांसिस, जो यह सब सुन रहा होता है, दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। वह डिएगो पर वॉर करता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी उनका बेटा लूकस सामने आता है और अपना हाथ दिखाता है, जिस पर डिएगो ने काट लिया था। अब लूकस भी इफेक्टेड होने वाला था, यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं। फ्रांसिस अपने पागलपन को भूलकर आयरिस से कहता है कि वह किसी तरह उनके बेटे की जान बचाए। आयरिस लूकस का इफेक्टेड हाथ काट देती है और पट्टी बांध देती है। फिर वह फ्रांसिस से कहती है कि वह जल्दी से वैन लेकर आए ताकि वे लूकस को अस्पताल ले जा सके। फ्रांसिस जल्दी से वैन लाने के लिए भागता है और ब्रिज पर पहुंचता है, जहां उसे जोशुआ मिल जाता है, जिसके हाथ में गन होती है। फ्रांसिस उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जोशुआ फ्रांसिस के खून से लथपथ कपड़े देखकर समझता है कि उसने उसकी माँ को मार डाला है। गुस्से में जोशुआ फ्रांसिस पर गोली चला देता है, जिससे फ्रांसिस नीचे गिर जाता है। जोशुआ उसके पास जाता है और माफी मांगता है, कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फ्रांसिस अपने बेटे के गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है कि वह उसका बेटा है। यह सुनकर जोशुआ रोने लगता है और उसे पता चलता है कि फ्रांसिस उसे अपना बेटा मानता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि फ्रांसिस मर चुका था। जोशुआ गाड़ी लेकर फार्म हाउस की तरफ लौटता है और हम देख सकते हैं कि उसकी माँ फ्रांसिस का इंतजार कर रही है। तभी जोशुआ वहाँ गाड़ी लेकर पहुँचता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।